सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स पीएससी में आपके पास पैरामेडिकल के भी ऑप्शन हैं। तो पैरामेडिकल में क्या क्या आता है आपका, और पैरामेडिकल में आपके कौन कौन से एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो क्या क्या चैप्टर होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूँ तो आपकी PCMB आएगी। अब MB में बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, तो मैथ भी आएगी और बायो भी आएगी। मैथ और बायो में ऑप्शन होगा आपके पास कि आप उसमें से कोई एक कर सकते हो, या तो फिर आप मैथ करना चाहते हो तो मैथ करो, या बायो करना चाहते हो तो बायो करो। मतलब मोस्टली तो बच्चे बायो करेंगे, बिकॉज फिजिक्स तो वैसे ही हार्ड होती है, और मैथ चूज़ कर लिया तो फिर थोड़ा रहेगा डर। तो आप PCB करना, और PCB में क्या करना है आपने, 11th 12th करनी है। आपके कितने आवर्स का होता है पेपर, 1.5 घंटे का होता है। मतलब आप 90 मिनट्स लेके चलो आपके पास हैं, और उसमें आपको 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर बात करें कि आपकी जो पासिंग मार्क्स हैं या कट ऑफ है वो कितनी जाती है, वैसे मिनिमम क्वालिफाइंग जो है UR और EWS के लिए आपका 50% है, OBC के लिए 45%, और आप SC ST के लिए भी 45% है क्वालिफाइंग। बट अगर रैंक ऊपर जाएगी तो आपको पता है कि आपकी जो कट ऑफ होती है वो भी हाई जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्स प्रेजेंट हैं एम्स में। तो आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो आपके पास एम्स दिल्ली में भी कोर्सेज हैं, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, नागपुर, बिलासपुर, जोधपुर, बीबीनगर, रायपुर। तो अगर आप यहाँ तक जा सकते हो मतलब इनमें से भी, तो आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम ज़रूर देना। पैरामेडिकल कोर्सेज में क्या क्या कोर्सेज हैं आपके पास, सबसे पहले ऑप्टोमेट्री, उसके बाद मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आपका वही PMLT हो गया, पर ये RLT भी साथ में हो जाएगा। फिर डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, OTT दे रखा है आपका, और फिर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, वो आपके अलग हैं। उसके बाद भुवनेश्वर में MLT है आपके पास, और मतलब ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थियोलॉजी है। मतलब ये क्या होते हैं ना, आपके कहीं कहीं जो हॉस्पिटल होते हैं सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे प्रॉपर ऐसी पोस्ट निकल के आती है जहाँ पे आपको ये कोर्स करा हुआ जरूरी होना चाहिए था। जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, ये अलग अलग कोर्सेज हैं। और एम्स से करने के क्या बेनिफिट हैं, फ़ीस कम होती है सबसे पहले। कुछ कुछ जगहों पर होगी कि फ़ीस का थोड़ा डिफरेंस होगा, बट एम्स नागपुर है जैसे, वहाँ पर हॉस्टल अलॉट होते हैं, पर एम्स दिल्ली में हॉस्टल अलॉट नहीं होते पैरामेडिकल वालों को। तो कहीं कहीं पर जैसे ऋषिकेश में भी है, ऋषिकेश में भी आपको हॉस्टल नहीं मिलेंगे पैरामेडिकल वालों को। तो आपको अपना कोर्स और अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मुझे एम्स ऋषिकेश में ये वाला कोर्स लेना है तो मुझे कितनी रैंक लानी होगी। इसके लिए आप PDF देख सकते हो, जो इस साल रैंक लिस्ट आई थी, तो एम्स की वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएंगी, ओपन राउंड की भी, सेकंड राउंड की भी, फर्स्ट राउंड की भी, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस रैंक पे ये वाला कोर्स मिल जाएगा मुझे आराम से। तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। बाद अगर बात करूं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो PCB लेके चलोगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी को इतना कर लो कि अगर बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आप 30 में से 28 बना लो, और केमिस्ट्री में 25 बना लो। उसके बाद फिजिक्स पे अगर आप जाओ तो फिजिक्स में क्लास 12th आप पहले कर लो, क्योंकि अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आप अभी 12th में हो और पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो, बेसिकली कुछ कोर्सेज 3 साल के हैं, कुछ 4 साल के हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लाइन को चूज़ करना है। उसके बाद इंटर्नशिप वगैरह तो आपको एम्स में मिल जाएगी वो आराम से, तो उसके लिए मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये है कि फिजिक्स में आपको ओनली 12th करनी है, और 12th में भी इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो आपको मतलब टेलीग्राम पे मिल जाएगा पूरा PDF। और अगर जो बच्चा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है ना PCB की, तो आपको टेलीग्राम पे एक लिंक मिल जाएगा, या फिर एक IDR नंबर, वहाँ पे आप मैसेज करके टेस्ट सीरीज़ के लिए पूछ सकते हो।